हेलो स्टूडेंट्स, तो शुरुआत करते हैं ग्रेविटेशन की। तो ग्रेविटेशन में अगर सबसे पहले बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें स्टूडेंट, यूनिवर्स में कोई भी दो मासी बॉडी हैं, एनी टू मासी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स एग्जर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर। दोनों बॉडी जो एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं, जिस फोर्स को हम काउंट करते हैं एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स काउंट करते हैं? एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका नेचर कैसा होता है? अट्रैक्टिव होता है। एंड दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जिसे अर्थ के सरफेस से किसी हाइट तक राइज किया गया है और उस हाइट से उस ऑब्जेक्ट को हम रिलीव कर देते हैं, देन वो ऑब्जेक्ट जो अर्थ के सरफेस के टुवार्ड गिरता है, तो उसके गिरने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट, वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। एंड फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स की फॉलिंग के लिए भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है। एंड मोशन ऑफ द प्लेनेट्स अराउंड द सन, हमारे सोलर सिस्टम में जो सन है उसके अराउंड डिफरेंट प्लेनेट्स जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं? ऑर्बिटिंग कर रहे हैं। तो इन प्लेनेट्स की ऑर्बिटिंग के लिए भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है। एंड इवन द बर्थ ऑफ यूनिवर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स की बर्थिंग के लिए भी यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। अगर बात करें स्टूडेंट, फर्स्टली सबसे पहले द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फोर्स इज गिवन बाय गैलीलियो गैली। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो गैलीलियो गैली के द्वारा दिया गया। एंड लेटर ऑन सर इजाक न्यूटन गिव द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद जो न्यूटन सर है उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड से रिलेटेड एक लॉ प्रपोज किया जिसको हम स्टडी करते हैं एज अ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, हम दो मासी बॉडी कंसीडर करते हैं, से बॉडी ए, दूसरी मासी बॉडी हमने कंसीडर की से बी, और इन दोनों मासी बॉडी के सेंटर के बीच में डिस्टेंस हमने काउंट किया आर। मान लो पहली बॉडी का मास हम काउंट करते हैं एम वन एंड दूसरी बॉडी का मास हमने काउंट किया एम टू। तो न्यूटन ने बताया कि इन दोनों मासी बॉडी के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है जिसको हम शो कर रहे हैं एफ से, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेज ऑफ दीज टू बॉडी। इन दोनों मासी बॉडी के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मींस अगर इन दोनों मासी बॉडी का मास इंक्रीज होगा तो इनका प्रोडक्ट भी हाइयर आएगा, और अगर प्रोडक्ट हाइयर आएगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? ज्यादा होगा। एंड सेकेंड पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू बॉडीज। इन दोनों मासी बॉडी के सेंटरों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इन दोनों पॉइंटों को अगर कंबाइन करें तो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेज ऑफ टू बॉडीज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जैसे हम रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट यूज किया जाएगा, दैट इज जी। इस जी को हम काउंट करते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11 यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट वो फॉर्मूला आ जाता है जो हमें बताता है दो मासी बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस की थी स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसमें अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्टिव इन नेचर है। एंड दिस इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ यूनिवर्स, ये दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स है बट स्टिल इम्पोर्टेंट, उसके बावजूद भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो यूनिवर्स की बर्थिंग हुई है स्टूडेंट, उसकी बर्थिंग के लिए भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है। देन बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की, दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट टू द नेचर ऑफ इंटरवीनियम मीडियम बिटवीन द टू मासी बॉडी। दो मासी बॉडी के बीच में कौन सा मीडियम प्रेजेंट है उसका कोई रोल नहीं है इस फोर्स के लिए। मीन्स दो मासी बॉडी के बीच में क्या मीडियम प्रेजेंट होता है वो चीज मैटर नहीं करती। ये ग्रेविटेशनल फोर्स बाय मैग्नीट्यूड उतना ही लगेगा चाहे दोनों मासी बॉडी के बीच में मीडियम चेंज भी हो जाए। ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट टू नेचर एंड साइज ऑफ द बॉडीज टिल देयर मासेज एंड डिस्टेंस
रिमेन सेम। दो मासी बॉडियों के बीच में अगर हम बात करते हैं, उन मासी बॉडी की शेप चाहे कैसी भी हो, ठीक है, उन दोनों का नेचर कैसा भी हो, बट अगर उनका मास और उनके बीच का डिस्टेंस सेम रहे तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा, ठीक है, शेप एंड साइज के इंडिपेंडेंट होगा। इस फोर्स का मीन्स इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बॉडी की शेप और साइज के इंडिपेंडेंट होता है, बट डिपेंड करता है दोनों मासी बॉडी के मास पर और उनके बीच में डिस्टेंस पर। दिस फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। ये फोर्स जो है दो मासी बॉडी के सेंटरों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग लगता है, इसीलिए इस फोर्स को काउंट करते हैं एज अ सेंट्रल फोर्स। देन फोर्थ प्रॉपर्टी, दिस फोर्स फॉर्म्स एन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। ये फोर्स जो है एक्शन और रिएक्शन पेयर की फॉर्मेशन करता है। मीन्स दिस फोर्स इज फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन। मीन्स ये फोर्स जो है स्टूडेंट दोनों मासी बॉडी के बीच में लगता है। मीन्स ए वाली बॉडी को बी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और बी वाली मासी बॉडी को ए बॉडी जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। मीन्स दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली अट्रैक्ट करती हैं विद फोर्स एफ। देन फिफ्थ प्रॉपर्टी पे अगर बात करते हैं स्टूडेंट, दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। मीन्स ये फोर्स दो मासी बॉडी के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो किस पोजिशन पर लोकेट की गई है, उस पर डिपेंड करता है। अगर इन दोनों मासी बॉडी के बीच में हम डिस्टेंस चेंज करते हैं तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। बट हमने इन दोनों मासी बॉडी के बीच में डिस्टेंस किस पैटर्न से चेंज किया, किस तरीके से चेंज किया, उस बात का कोई रोल नहीं है। बस रोल होगा इस बात का कि दोनों मासी बॉडी के बीच में फाइनली कितना डिस्टेंस है। मीन्स ये फोर्स जो है पोजिशन डिपेंडेंट है, इसलिए हम इस फोर्स को काउंट करते हैं एज अ कंजर्वेटिव फोर्स। उसके बाद हमने स्टूडेंट डिस्कस किया था कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। कैपलर्स के प्लेनेटरी मोशन के थ्री लॉ जो हमने स्टूडेंट डिस्कस किए थे, जिसमें हमने फर्स्ट लॉ को काउंट किया था लॉ ऑफ ऑर्बिट, एंड सेकंड लॉ को काउंट किया था लॉ ऑफ एरियाज, एंड थर्ड लॉ को हमने काउंट किया था लॉ ऑफ टाइम पीरियड। अब बात करते हैं स्टूडेंट कैपलर्स के फर्स्ट लॉ की, जिसको हम काउंट करते हैं एज अ लॉ ऑफ ऑर्बिट। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें स्टूडेंट, एवरी प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड द सन इज प्रेजेंट एट वन ऑफ द फोकियाई ऑफ दैट इलिप्टिकल ऑर्बिट। इस लॉ के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट क्या था स्टूडेंट, कि हर एक प्लेनेट जो है सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग करता रहता है और सन जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट के दोनों फोकियाई में से किसी एक पोजिशन पर लोकेट होता है। मीन्स इस लॉ में बताया गया कि प्लेनेट जो है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है एंड और जब प्लेनेट जो है स्टूडेंट वो सन के क्लोजेस्ट होता है, जो हमने शो किया एस सन और बी वो प्लेनेट की पोजीशन है, ये क्लोजेस्ट पोजीशन होगी, एस बी इज द क्लोजेस्ट पॉइंट डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को पार्टिकुलरली नाम दिया जाता है प्रीहिलियन का। एंड जब प्लेनेट जो है सन से लार्जेस्ट डिस्टेंस पर फार अवे होता है, फारदेस्ट पॉइंट पर होता है, जो हमने शो किया एस ए दैट इज द फारदेस्ट पॉइंट डिस्टेंस, इसको काउंट किया जाता है स्टूडेंट एज अ अफिलियन। अब बात करते हैं स्टूडेंट कैपलर्स सेकेंड लॉ की, जिसको हम लॉ ऑफ एरियाज काउंट करते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखें स्टूडेंट, इसमें कॉन्सेप्ट दिया गया था एरियल वेलोसिटी का। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात करें स्टूडेंट, एक प्लेनेट जो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसकी एरियल वेलोसिटी क्या रहती है, हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है। मीन्स डी ए बाई डी टी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। अब समझे इस बात को स्टूडेंट, जैसे हमने ये सन लोकेट किया, ये प्लेनेट की पहली पोजीशन लोकेट की, टाइम इंटरवल T1 के बाद प्लेनेट P2 पोजीशन पर शिफ्ट हो जाता है। तो अब जो लाइन सन और प्लेनेट को जोड़ रही है दैट इज SP1, अब प्लेनेट यहां से शिफ्ट हो जाता है T1 टाइम इंटरवल के बाद P2 पोजीशन पर। अब यहां भी इसको क्या कर रही है, दोनों के सेंटरों की लाइन जोड़ रही है। तो ये लाइन जैसी प्लेनेट यहां से यहां शिफ्ट होता है इन टाइम इंटरवल T1 में, तो ये लाइन कुछ एरिया कवर करती है, वो हमने शो किया A1 से। किससे शो किया, A1 से। अब यही प्लेनेट स्टूडेंट आफ्टर सम टाइम इंटरवल किन्हीं थर्ड और फोर्थ पोजीशंस पे शिफ्ट होता है। मान लिया हमने उसको शो किया P3 देन P4। अब ये प्लेनेट जो है स्टूडेंट सन के क्लोजेस्ट जा चुका है। अब अगर हम टाइम इंटरवल सेम काउंट करते हैं तो जो लाइन सन और प्लेनेट को जोड़ रही है, जैसे प्लेनेट P3 से P4 पोजीशन पर शिफ्ट होता है, तो ये लाइन ये वाला एरिया स्वैप आउट करती है, कवर करती है, जिसको हमने शो किया A2 से। अगर स्टूडेंट हम टाइम इंटरवल सेम काउंट करें, दैट इज अगर स्टूडेंट हम दोनों टाइम इंटरवल को इक्वल काउंट कर रहे हैं, दैट इज T1 एंड T1 दोनों टाइम इंटरवल जो है हमने सेम काउंट किए,
तो जो ये एरिया स्वेप्ट आउट से प्लेनेट के द्वारा, वो दोनों एरियाज भी क्या होंगे, सेम होंगे। मीन्स सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात करें स्टूडेंट, अ प्लेनेट स्वेप्ट आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अराउंड द सन इन एन इट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट। इट अराउंड द सन मीन्स एक प्लेनेट जो है सन के अराउंड इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरियाज कवर करता है, इक्वल एरिया स्वेप्ट आउट करता है। यही कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट कैपलर्स के सेकेंड लॉ का। ये लॉ जो है स्टूडेंट, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस है। किस पर बेस है? जो कैपलर्स का सेकेंड लॉ स्टूडेंट, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस है। इसी लॉ में नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं स्टूडेंट। एक प्लेनेट की जो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसकी लीनियर स्पीड जो है स्टूडेंट वो वेरी करती है। मीन्स जब वो प्लेनेट जो है सन के क्लोजेस्ट होता है तो वो फास्ट मूव करता है, और जब सन जो है वो फार्देस्ट पॉइंट पे होता है, सन से अवे होता है, तो वो क्या करता है, स्लो मूव करता है। मीन्स लीनियर स्पीड ऑफ द प्लेनेट जब वो क्लोजर होगा तो क्या होगी, ज्यादा होगी, मीन्स वो फास्ट मूव करेगा, और जब वो प्लेनेट अवे होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। और लास्टली डिस्कस करते हैं स्टूडेंट कैपलर्स का थर्ड लॉ, जिसको हम काउंट करते हैं लॉ ऑफ पीड्स की फॉर्म में। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट, कि एक प्लेनेट जो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग कर रहा है, तो जब वो अपनी एक रोटेशन पूरी करता है तो उसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा, जो हमने शो किया टी से, और जिस इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है उसकी सेमी मेजर एक्सिस का डिस्टेंस हमने काउंट किया आर, जो लॉन्गेस्ट एक्सिस होती है स्टूडेंट इसको मेजर एक्सिस काउंट करते हैं, और जो ये शॉर्टेस्ट एक्सिस होती है इसको हम माइनर एक्सिस काउंट करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस में से हमने हाफ डिस्टेंस काउंट किया, तो मीन्स सेमी मेजर एक्सिस डिस्टेंस को हमने शो किया आर से। अब थर्ड लॉ का कॉन्सेप्ट क्या था स्टूडेंट, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात करें स्टूडेंट, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ दैट इलिप्टिकल ऑर्बिट फॉर दैट गिवन प्लेनेट। मीन्स इस लॉ का कॉन्सेप्ट क्या था, कि एक प्लेनेट जो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसके टाइम पीरियड का स्क्वेयर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके इलिप्टिकल ऑर्बिट की सेमी मेजर एक्सिस के डिस्टेंस के क्यूब के। इसे मैं स्टूडेंट इस पैटर्न में भी कह सकता हूं कि जो टी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर की पावर किसके, 3/2 के। एंड लास्टली स्टूडेंट्स, जो हमने केपलर लॉ डिस्कस किया है और जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने डिस्कस किया है, इसके भी आप पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की हमने प्रैक्टिस की थी, ठीक है, उनको भी आप प्रिपेयर करें, तो ये आपका कंटेंट जो है फर्स्ट टेस्ट के लिए वो टोटली रिवाइज हो जाता है। दैट्स ऑल।